अगर आपका पेट ठीक होगा तो आपका पूरा दिन सही जाएगा। वहीं अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, खट्टी डकारें अगर आपको आती हो, सीने में आपके हमेशा जलन रहती हो, खाना पचाने में आपको प्रॉब्लम होती हो, कब्ज आपको रहती हो, जैसे ही आपने खाना खाया आपको वॉशरूम के लिए भागना पड़ता हो, उल्टी का हमेशा मन करता रहता हो, जी हमेशा आपका मचलाता रहता हो, तो ये सभी प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चेंजेस बताऊंगी जिसको आप अपने लाइफस्टाइल में करके इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मेडिसिन को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 सिंपल चेंजेस बताऊंगी जिसको आप अपने लाइफस्टाइल में अपनाकर इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। फर्स्ट, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। ब्रेक फास्ट यानी कि आपको अपने फास्ट को ब्रेक करना है। अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हो, मतलब आप 8 से 9 घंटे तक भूखे रहे हो, और उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा ये हैबिट मिलती है कि वो अनहेल्दी खाना खाते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती है और उसको शांत करने के लिए वो इधर उधर मंचिंग करते रहते हैं, और यही जो अनहेल्दी खाना है उनकी पेट की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट टाइम पर लेना ज़रूरी है। सेकेंड, डोंट टेक ऑयली एंड जंक फूड। देखिए, आपके खाने में जितना तेल होगा वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी में कितना फैट जा रहा है। आपकी बॉडी में जितना तेल जाएगा, जितना फैट जाएगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर उतना ही प्रेशर डालेगा। और अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे करके वो काम करना बंद कर देगा, जिससे आपके पेट में बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। जैसे आपको उल्टी आने का मन करेगा, आपका जी मचलाएगा, पेट में भारीपन रहेगा, दस्त हो सकते हैं। तो ये सब समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाने में तेल की मात्रा को कम करो। और जो ये तेल है ना सिर्फ आपको पेट की प्रॉब्लम्स देता है बल्कि आपके बीपी को भी बढ़ा देता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है, और ज़्यादा बीपी, आपका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी हार्ट की समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको तेल छोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो। थर्ड, अवॉइड हैवी एंड लेट नाइट मील्स। देखिए, ज़्यादातर घरों में यही देखा जाता है कि ब्रेकफास्ट और लंच के कंपैरिजन में जो डिनर होता है वो हैवी होता है। रात को जो लोग हैं ना, वो खाना ठूस ठूस कर खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, बहुत भारी खाना खाते हैं, और इसी वजह से पेट की प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि रात को एक्टिविटी लेवल हमारा बहुत कम हो जाता है, और इसी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और यही जो ज्यादा काम है धीरे धीरे करके लीवर को ठप कर देता है, लीवर काम करना बंद कर देता है और पेट की प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। तो इसीलिए अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहते हो, पेट की प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हो, तो आपको रात को खास करके सबसे पहली बात टाइम पे खाना खाना है, दूसरा रात कर को हैवी नहीं खाना है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप रात का खाना 8 बजे से पहले खत्म कर लें। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब यही है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक हमें बताएगा कि हमारी ये जो वीडियोस हैं, हमारी जो मेहनत है, आपकी मदद कर रही है। फोर्थ, ऐड फाइबर रिच फूड इन योर डाइट। फाइबर आपकी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स होती हैं, और यही इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है ये आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को मल द्वारा बाहर निकालती है। अगर आपका वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो ये बॉडी के अंदर ही सड़ जाएगा और आपके ये पेट को सड़ा देगा, आपके पेट की प्रॉब्लम्स इससे पैदा होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाता है, और यही न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमें फाइबर मिले, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए ब्राउन राइस, बीन्स। इसके अलावा आप फ्रूट जूसेस की बजाय फ्रूट्स लें, आप सेब खाएं, संतरा खाएं, अमरूद खाएं। साथ में जब आप खाना खाते हैं तो आपकी एक प्लेट
पूरी की पूरी सैलेड की जरूर होनी चाहिए। उसमें आप खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, इन सब चीजों का सेवन करो। आप अपनी डाइट में फाइबर का सेवन एक हफ्ता करके देखो, आपको इसका रिजल्ट खुद दिख जाएगा। फिफ्थ, एड कर्ड इन योर डाइट, यानी कि आपको अपनी डाइट में दही का सेवन जरूर करना है। दही के अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। यही प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन के लिए अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं, क्योंकि ये आपकी इंटेस्टाइन के लिए जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें ये मदद करते हैं, आपकी पाचन क्रिया को सुधारते हैं। इसकी वजह से ना आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, ना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ना आपको पेट में भारीपन रहेगा, ना आपको कब्ज रहेगी। यहाँ तक कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ा देगा और यही इम्यूनिटी सिस्टम आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी डेली डाइट में दही को ऐड ज़रूर करें, और ये बेहतर रहेगा कि आप बाहर से दही लाने की बजाय अपने घर पर जमाएं, क्योंकि जो बाहर की दही है उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं जो आपकी बॉडी के लिए अगेन बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। आप घर पर दही जमाएं। अगर आपको दही जमानी नहीं आती तो आप अपनी मम्मी से पूछें, उनको आती है। सिक्स्थ, डोंट टेक स्ट्रेस, यानी कि आपको अपने लाइफस्टाइल में स्ट्रेस कम लेना है, तनाव कम लेना है। देखो आज की लाइफ ही ऐसी है, हर किसी को स्ट्रेस है, हर किसी को टेंशन है, और यही टेंशन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कम करती है। इसका आपकी बॉडी से डायरेक्ट रिलेशन है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको कोई स्ट्रेस रहता है, आपके बॉस से आपकी लड़ाई हो गई, मम्मी से लड़ाई हो गई, या घर में कोई प्रॉब्लम वैसे ही आ गई, तो आपके फेस पर टेंशन दिखती है। कोई भी आपके फेस को देख के बता देगा कि आज आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका ये माइंड, आपकी ये उदासी आपके फेस के एक्सप्रेशन को इतना चेंज कर सकती है, तो ये सोचिए आप कि ये आपकी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट डालती होगी। जब आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो ये आपके पेट की समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप अपनी पेट की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस कम करना होगा, और उसके लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि वॉकिंग से भी आपको एक रिफ्रेश फीलिंग मिलती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और ये सब चीज़ें आपको हेल्दी रखने में मदद करती हैं। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर, यानी कि होम रेमेडी। ऐसी दवाई जो आप अपने घर पर बना सकते हैं, और इस मेडिसिन से आप अपनी सारी पेट की समस्याओं को बहुत ही जल्द टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है त्रिफला, त्रिकटु, नागर मोथा, नवसादर, विडंगा, छोटी इलायची और तेजपत्ता। इन सब के आपने 10-10 ग्राम लेने हैं। इसके अंदर आपने 100 ग्राम मिलानी है लौंग, 400 ग्राम आपने मिलाना है त्रिव्रत, और 600 ग्राम मिलानी है धागे वाले मिश्री का पाउडर। इन सबको मिलाकर आप एक फाइन पाउडर बना लीजिए और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रख दीजिए। अब इसी में से आपने एक एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से लेना है। इस रेमेडी को आप सिर्फ एक हफ्ता लेना और इसका रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।